हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से सभी की स्टडी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आप सभी के लेकर आए हैं आज भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 3, जिसमें कि 9 सब सेक्शन दिए हुए हैं और आईपीसी के 9 सेक्शंस को ही ये जो इंडिकेटेड करता है। तो ये शुरुआत करते हैं धारा 3 के उपधारा 1 जो है वो आईपीसी के सेक्शन 6 को इंडिकेटेड करते हैं, जो कहती है कि बीएनएस के अंदर जो अपराध की डेफिनेशन है, उस अपराध के लिए जो दंड है और उस डेफिनेशन और दंड के लिए जो दृष्टांत है, उन सभी को साधारण अपराधों के अंतर्गत माना जाएगा। जी हाँ, साधारण अपराध जो है बीएनएस के सेक्शन चैप्टर 3 में सेक्शन 14 से 44 तक दिए हुए हैं, क्योंकि बार बार जो है बार बार इन एक्सेप्शंस को, इन अपराधों को, हर धारा, हर परिभाषा, हर दंड, हर स्टेशन के अंदर नहीं समझाया जा सकता ना। तो उन्होंने सिंपल पहले ही सिंपल कह रहे हैं कि देखो, इन परिभाषाओं को, दांडिक उपबंधों को, दृष्टांतों को हम दूरा नहीं सकते, बार बार दूराया नहीं गया बार बार, इसलिए कि चैप्टर में बता दिया गया है। भी आगे आने वाले सभी चैप्टर्स को आप ऐसे पढ़ोगे जैसे कि वो अध्याय 3 के अंतर्गत माने जा रहे हो। और यहाँ पर देखिए, इसके दो स्टेशन है। पहला कह रहा है कि जो 7 वर्ष से कम एज का जो शिशु अपराध नहीं कर सकता, उस प्रकार से आगे आने वाली जो भी अपराध की डेफिनेशन होगी, उसकी जो पनिशमेंट होगी स्टेशन होगा, उन सबको जो है यहाँ पर चैप्टर 3 के जो है अधीन माना जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर सेकंड स्टेशन में बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसने हत्या किया, पुलिस अधिकारी उसको विदाउट वारंट जो है गिरफ्तार कर लेता है, तो यहाँ पर उसने भी किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। उसके बाद आता ही धारा 3 की उपधारा 2 जो बात करती है आईपीसी के सेक्शन 7 की। ये कहती है कि अगर किसी पद को, किसी भाग को एक बार स्पष्ट कर दिया गया है, तो उसे उसी स्पष्टीकरण के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाएगा, बार बार उसको स्पष्टीकृत नहीं किया जाएगा। धारा 3 की उपधारा 3 यानी कि आईपीसी का सेक्शन 27 की, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पत्नी, लिपि के, सर्वेंट के कब्जे में होगी, तो इस संहिता, इनके बीएनएस के एक्ट के अकॉर्डिंग, उसी व्यक्ति कब्जे में मानी जाएगी। और इस प्रकार का जो प्रोविज़न है वो इसलिए रखा गया ताकि आगे जो चोरी वगैरह के मामले आते हैं, और जब पजेशन की बात आती है, तो वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से फाइंड आउट किया जा सके इसलिए। और साथ ही इस एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया है कि लिपि के सेवक कौन होगा, यानी कि वहाँ पर केवल जो परमानेंट जो लिपिक सेवक है वो इंक्लूड नहीं होंगे यहाँ पर इस संहिता में, बल्कि अस्थायी रूप से या फिर एक विशिष्ट पार्टिकुलर ओकेजन पर जो अपॉइंट व्यक्ति है उसको भी लिपिक सेवक की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद ही सेक्शन 32 आईपीसी का बात जो करता है बीएनएस की धारा 3 के उपधारा 4 की, जब तक संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, यानी कि इस संहिता के कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोगों पर भी होगा। यानी कि जहां जहां पर बीएनएस में जो है अवैध कार्यों के लिए कोई डायरेक्शन दिया गया, वहां पर यह माना जाएगा कि यहां पर अवैध लोग भी इंक्लूड माना जाएगा। अब जगह जगह जो अवैध लोग को शामिल नहीं किया गया, बट माना जाएगा कि जहां पर भी कार्यों का निर्देश करने वाले शब्द है, वहां पर अवैध लोगों वाले जो वो चीजें हैं वो भी वहां पर इंक्लूड की जाएंगी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारा 3 की उपधारा 5, जिसको हम बहुत, यानी कि प्री हो, मेंस हो, सब में बहुत इंपॉर्टेंट था, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन ऑफ आईपीसी। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल पढ़ेंगे धारा 3 की उपधारा 5 कॉमन इंटेंशन। काम कैसा है, आपराधिक है, कितने व्यक्ति कर रहे हैं, कई व्यक्ति कर रहे हैं, और सबकी कॉमन इंटेंशन है उसको अग्रसर करने के लिए कर रहे हैं, तब उस काम के लिए सभी व्यक्ति ऐसे लायबल होंगे। मानो के लिए नहीं, क्या हो, मानो 3 व्यक्ति जो है कहीं पर चोरी करने गए, 2 चोरी करने चले गए, एक बाहर गेट पर खड़ा है, तो ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो दरवाजे पर खड़ा था। आप कर तो उसी कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने के लिए काम कर रहे थे, भाई आपकी इंटेंशन थी आप लूट करेंगे, आप लूट कर रहे हैं, अब आप उसी इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए बाहर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आना जाए। तो सब सेम है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे केसेस आते हैं, जबकि वरेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्प्रर का केस जो है, और महबूब सा वाला जो केस है, सिंधु नदी के बाद से फेमस है केस जो है, बहुत ही ज़्यादा लीडिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस आ जाते हैं। कहाँ से संबंधित, सेक्शन 3 बीएनएस की उपधारा 5 के अंतर्गत, ठीक है। ये फेमस केस लॉज है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सब सेक्शन 6 बीएनएस का धारा 3 की उपधारा 6। और अब ये सीक्वेंस है, देखिए आईपीसी का सेक्शन 35 यहाँ पर बात करता है कि कोई व्यक्ति किसी एक्ट को करे, उसको एक्ट को कर रहे कि उसकी क्रिमिनल नॉलेज भी है और क्रिमिनल इंटेंशन भी है, जब इस प्रकार का काम वो करता है, यानी कि क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज के साथ जब उस अपराध को करता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अपने आप में आपराधिक होगा। मानो कई व्यक्ति उस काम को कर रहे हैं, बट क्या है, वो क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ उस काम को कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति जिस क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज के साथ उस एक्ट में इंक्लूड होगा, वो उसी अपराध के लिए पनिशेबल माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 जो है ये बात करता है आपके धारा 3 की उपधारा 7 यानी कि आईपीसी के सेक्शन 36 है यहाँ पर। ये कह रहा है कि अंस्थय कार्य और अंस्थय लोभ द्वारा कोई अपराध किया गया, उस कोई अपराध किया किसी कोई भी मतलब, और उस अपराध का परिणाम क्या हुआ, जो आप उस काम को करना चाहते थे वो काम दोनों करके किया, आपने यह नहीं कि केवल उसको एक्ट करके किया, नहीं, आधा उसने आपने कार्य किया,
आधा उसमें लोग के, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को जो है, क्योंकि इसकी जो है संरक्षण में गार्जियन में है, इसको भोजन भी नहीं देता, जबकि भोजन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसने क्या किया, अंस्थलोप कर दिया। और इसकी इसको क्या है भाई, इसको पीटना नहीं चाहिए, तो इसने क्या किया, जो काम इसको नहीं करना चाहिए इसने वो काम किया। तो पार्टली एक्ट करके और पार्टली ओमिशन करके इसने इसकी डेथ कॉज कर दी। तो इसके अकॉर्डिंग सेक्शन धारा 3 की उपधारा 7 कहती है कि इसने जो है अपराध किया है, इसने जो है हत्या की है ऐसा काम करके भी, यानी कि दोनों चीज़ें इसने शामिल कर दी, कार्य भी और ओमिशन भी, दोनों को करके इसने क्या कर दिया है, अपराध कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 8 यहाँ पर बात करता है, अगर हम देखें तो BNS की धारा 3 की उपधारा 8 और IPC का सेक्शन 37 सेम बात करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि मानो एक अपराध गठित करना है और उस एक अपराध को गठित करने के लिए बहुत सारे काम हैं, अब उनमें से मानो एक के लिए सहयोग कर दिया भाई, किसी का मर्डर किया, मर्डर करने के लिए उसने 6-7 काम किए, अब एक पर्सन अगर उनमें से एक एक्ट में सहायता दे देता है तो माना जाएगा उसने भी वो एक्ट किया है। मानो कोई अपराध है कई कार्यों द्वारा किया जा रहा है, जो या तो कोई व्यक्ति खुद अकेले कर रहा है या दूसरे लोगों के साथ शामिल होकर कर रहा है, उन कार्यों में से कोई एक कार्य भी करता है उस एक्ट का, एक्ट को करने में सहयोग करने के लिए, तो मानो वह उस अपराध को कर रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन देखिए फर्स्ट भी आ जाता है, कैक है, अलग अलग है, देखिए दोनों अलग अलग हैं, अब वो बी इस एक पर्सन का मर्डर करना चाहते हैं यहाँ पर, अब इसका मर्डर करने के लिए दोनों ही इसे जो है विस्की मात्राएं देते हैं, पॉइजन की थोड़ी थोड़ी मात्राएं दे रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं दोनों, बट दोनों का काम क्या है, इस व्यक्ति का मर्डर करना। अब इस व्यक्ति का मर्डर करने में वो कई काम करते हैं जिसमें आधे आधे में वो दोनों क्या कर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो वो दोनों ने कार्य बेसक प्रतिज्ञा पर दोनों ही अपराध के दोषी होंगे, दोनों ही मर्डर के जो है यहाँ पर दोषी होंगे। बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है कई बार यहाँ पर प्री में भी पूछा गया है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए काम एक है बट दोनों को अलग अलग अपराध के दोषी माना गया है, कैसे, ये एक जेलर है क्या, ये कैदी जो है इसका संरक्षण भार रखते हैं, बट क्या जो है ये को मारना चाहते हैं जिसके चलते उसको भोजन नहीं देते, अवैध लोप कर दिया, भोजन नहीं दिया, इससे क्या हुआ ये बहुत कमज़ोर हो गया, बट वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि उस भुखमरी से वो मर जाए, अगर उसे उस समय और भोजन दे दिया जाता तो वो शायद बच जाता, बट जो है इस स्थिति में कैक को जो है वहाँ से डिसमिस कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी जगह जो एक नया पर्सन आता है खै, उसका उत्तरवर्ती। अब देखिए कै और खै का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी कोल्यूजन नहीं है, कोई भी नहीं है, ना ही दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो खे है वो भी क्या कर रहा है, उसकी भी ऐसे दुश्मनी थी, वह भी यह को भोजन नहीं देता, वैध लोप करता है, अब इस वजह से वो भूख से मर गया। अब देखिए कह के एक भोजन न देने की वजह से वो खेल कमजोर हुआ था, मरने की स्थिति में नहीं था, बट खे के भोजन ना देने की वजह से वो मर गया। तो ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्तियों के एक दूसरे से कोई कोल्यूजन नहीं था, कोई कोऑपरेशन नहीं था। अब यहाँ पर यह अगर मर गया तो खै हत्या का दोष होगा, बल्कि क्या जो है वो केवल हत्या के प्रयत्न का दोष होगा, क्योंकि आपस में दोनों ने वहाँ पर सहयोग नहीं था दोनों का, और वहाँ पर एक अगर दोनों का आपस में सहयोग होता, मिलीजुली भगत होती, तो शायद एक अपराध के लिए दोनों दोषी होते, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 9 जो कि बात करता है धारा 3 की उपधारा 9 जो कि IPC के सेक्शन 38 को इंडिकेटेड करती है, ध्यान रखिएगा, यानी कि जहाँ कई व्यक्ति हैं और वो किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, ठीक है, या संबंधित हैं उस आपराधिक कार्य से किसी ना किसी प्रकार से, तो वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषियों से हैं। सिंपल फंडे में अगर हम समझें कि भाई किया है एक व्यक्ति का मर्डर, इन दो लोगों ने इस एक व्यक्ति का जो है मर्डर किया है, बट देखिए सिचुएशन क्या है, यहाँ पर मर्डर किया है एक पर्सन का, काम तो एक ही हुआ है ना, हत्या, बट लोग हैं दो, फिर भी इन दोनों लोगों को अलग अलग पनिशमेंट मिल रही है, क्यों, यहाँ पर मेन बात आ जाती है, देखें इंटेंशन की, इलस्ट्रेशन से समझते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन कह रहा है कि यह ने जो है गंभीर प्रकोपन दिया कै को, अब कै ने इस प्रकोपन के दिन यह पर आक्रमण कर दिया, बट जो ये खै नामक व्यक्ति था ये यह से दुश्मनी रखता था, अपनी दुश्मनी को निकालने की इंटेंशन ने क्या किया, यह कै की सहायता की, किसको, यह को मारने के लिए, बट यहाँ पर यह तो मर गया, बट कै जो है वो केवल कल्पेबल होमोसाइड का दोषी होगा, आपराधिक मानववाद का दोषी होगा, जो यहाँ पर खे है ये हत्या का दोषी होगा, क्यों, क्योंकि कै ने केवल गंभीर प्रकोपन के चलते उस पर हमला किया, आक्रमण किया था, उसकी मृत्यु कारित करने की इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, वो अपना आपा खो बैठा, यह ने कुछ उसके साथ ऐसा किया जिसकी वजह से उसने यहाँ पर आक्रमण किया, बट खे अपनी रियल सिचुएशन में था, उसे कोई प्रकोपन नहीं था, यह ने उसे कुछ नहीं बोला था, बस वह तो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए जो है कै की सहायता करता है, तो वो इंटेंशन के साथ उसको मारने के लिए जाता है, तो यहाँ पर काम एक ही आपराधिक कार्य जो है
कई व्यक्ति कर रहे हैं, बट देखिए वहां पर ये दोनों उस एक काम को करने के लिए अलग अलग अपराधों के दोषी हो चुके हैं। तो ये तो था BNS का सेक्शन 3, जिसको कि 9 पार्टों में डिवाइड किया गया था IPC के 9 सेक्शंस के साथ। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें।